क्लास 9th। और क्लास 9th में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे बहुपद। अब बहुपद नाम के तो ये पता चला कि बहु यानी बहुत सारे पद हो, जिसमें बहुत सारे पद हो उसको क्या बोलते हैं? बहुपद। लेकिन जरूरी नहीं हो जिसमें बहुत सारे पद हो से बहुपद बोलते हैं। एक पद वाला भी बहुपद हो सकता है, और दो पद वाला भी बहुपद हो सकता है, या ज़्यादा पद वो भी बहुपद हो सकता है। लेकिन उसकी पहचान ही होनी चाहिए, उसमें जो गाते हैं वो गाते कौन सी होनी चाहिए? पूर्ण में होनी चाहिए, पूर्ण घात होनी चाहिए। पूर्ण घात का मतलब क्या होता है कि घात क्या होनी चाहिए? 0, 1, 2, 3, 4, अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है प्लस की। बहुपद कौन सा होगा? एक पद वाला भी बहुपद हो सकता है, दो पद वाला भी हो सकता है, और बहुत सारा पद वो भी क्या हो सकता है? बहुपद हो सकता है। लेकिन बहुपद होगा कौन सा? नहीं, तो जिसकी पूर्ण घात नहीं हो वो बहुपद नहीं होगा, जिसकी पूर्ण घात हो वो क्या होगा? बहुपद होगा। तो कौन सा नहीं होगा? जैसे जिसका घात प्लस में आ जाए, प्लस या भिन्न में आ जाए, भिन्न की प्लस या माइनस की भिन्न की प्लस की आ जाए, या माइनस की संख्या आ जाए, या वर्गमूल भी आ जाए जिनका वर्गमूल पूरा ना हो, या ये बोल दो कि अपरिमेय संख्या आ जाए, तो ये क्या नहीं होगा? बहुपद नहीं होगा। जिनकी घातें इनके रूप में हो वो तो क्या है? बहुपद नहीं होगा। लेकिन जिनकी घात पूर्ण घात हो, पूर्ण घात का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक हो, वो क्या होगा? बहुपद होगा। तो बहुपद पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक में पढ़ेंगे चर और अचर, चर और अचर। चर और अचर के बारे में हमने छोटी कक्षाओं में पहले से पढ़ लिया है। चर संख्या होगी जैसे इसमें चर बीजी व्यंजक को मानो, जैसे x2z y2 p2q 3z2, ये तो होंगे चर। और अचर कौन से होंगे? जैसे -3, 6, 7, 2, ये क्या होंगे? अचर होंगे। अब ये तो सही है, चर और अचर। अब बात कर रहे थे हम किसकी? बहुपद की। तो बहुपद में पहले क्या करेंगे, हमें बहुपद भी अलग अलग प्रकार होते हैं। तो पहले बहुपदों से पहले हम पद वाले देखेंगे। एक पदी बहुपद, दो पदी, तीन पदी और उससे ज़्यादा वो भी क्या होगा? बहुपदी। अब कौन कौन सा बहुपदी होगा? जैसे उदाहरण है y2 + 5, ये बहुपद है या नहीं है? तो पहले तो ये देखना, एक पद है, दो पद या तीन पद, तो इसमें पदों की संख्या दो है। अब बहुपद है या नहीं है, तो इसमें देखेंगे चर की बड़ी घात देखेंगे, चर की घात देखेंगे। तो चर कौन सा? इसमें ये इसकी घात देखो, इसकी घात क्या है? दो। और दो क्या है? पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये घात क्या है? पूर्ण घात। तो इसका मतलब ये क्या होगा? बहुपद होगा। अब इनके अलावा अब ये भी बताना है, ये एक चर में या द्विचर में। तो एक चर का मतलब एक्स हो, एक चर वाई, ये तो ये एक्स और वाई। दो चर जैसे जेड अजे, तो ये कौन सा होगा? तीन चर वाला, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया और जेड, तो ये हो गया तीन चर वाला बहुपद। तो या तो ये पूछे सीधा कि बहुपद है या नहीं, तब तो आपको सीधा बताना है कि है क्या बहुपद है या नहीं है, तो यह क्या है? बहुपद है। अब ये पूछ ले एक चर वाला है, दो चर वाला है, तीन चर वाला, तो ये बहुपद है एक चर वाला, क्योंकि इसमें चर का मान एक ही है, वाई वाला है। चर मान भी कौन सा है? वाई है, तो ये हो गया एक चर वाला बहुपद। और जैसे अब हम इन पर क्या करेंगे? प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न ये निम्नलिखित व्यंजक दे रखे, ये बीजीय व्यंजक है, और इसमें कौन कौन से एक चर वाले बहुपद है? बहुपद बताने हो, कौन से बहुपद बताने हैं? एक चर वाले, जिसमें चर पद गया हो एक ही हो, और कौन से नहीं हो उनका कारण बताने, क्यों नहीं है। तो देखो, तो पहले तो पद देखे कितने हैं। देखो इसमें कितने पद है? 1, 2, 3, तो इसको बोलेंगे तीन पदीय बहुपद। पद तो कितने? तीन। ये क्या होगा? एक बहुपद होगा या नहीं होगा, ये तो हम चेक करेंगे, है ना। इसमें कितने पद है? दो। इसमें दो, इसमें दो, इसमें तीन पद। नहीं, अपने को ये पूछा बहुपद है या नहीं है, और बहुपद है या नहीं है इसके लिए मैंने ये बताया कि आपको क्या देखनी है? घात देखनी है, चर की घात देखनी है, और चर की ऐसी घात देखनी है घात कौन सी संख्या हो? पूर्ण संख्या
हो, पूर्ण संख्या मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 प्लस कोई भी संख्या हो, कौन सी नहीं होनी चाहिए? एक तो भिन्न वाली नहीं होनी चाहिए, यानी बट्टा वाली नहीं होनी चाहिए, चाहे बट्टा वाली प्लस की हो या माइनस की हो, और एक माइनस की संख्या नहीं होनी चाहिए, और एक अपरिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। अपरिमेय √2 है, √3 है, √5 है, इनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले। ऐसी संख्या क्या नहीं होनी चाहिए? घातीय नहीं होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई घात होगी तो वह बहुपद नहीं होगा, और जिनकी घात पूर्ण संख्या होगी वही क्या होगा? केवल बहुपद होगा। जैसे उदाहरण के लिए पहला क्वेश्चन देखिए, 4x² माइनस 3x+7, तो इसकी तो घात है 1 और इसकी घात है 2, तो ये 1 और 2 पूर्ण संख्या है नहीं, ये है तो पूर्ण संख्या, तो ये क्या होगा? बहुपद होगा। अब कारण पूछ रहे क्यों होगा, तो क्या बताओगे कारण है? कि इनके घाते क्या है, पूर्ण घात है, पूर्ण संख्या घात है, तो पूर्ण संख्या घात है, इसका मतलब ये क्या होगा? बहुपद होगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये कि y² + √2, तो 2 के ऊपर √2 है, अपने को अचर पर √2 नहीं देखना, किस पर देखना? घात केवल घात देखने चर पर, तो चर पर कितनी घात है? 2 घात, इसका मतलब क्या होगा? ये बहुपद है, ये क्या है? बहुपद है। यदि ये √2, ये √2 वाला इस वाई पर होता तो ये क्या नहीं होता? बहुपद नहीं होगा। आप देखो इसमें, देखो इस पर तो है, इस पर ध्यान देना नहीं, इस पर तो एक घात है सही है, लेकिन इस पर कितनी घात आ गई? √2 का मतलब हो गया आधी घात। यदि किसी संख्या के ऊपर √2 आ जाए, इसका मतलब ये क्या है? कि आधी घात है, ठीक है, 1/2 घात है। तो टी के ऊपर क्या है? 1/2 घात है, तो 1/2 घात है, इसका मतलब ये क्या है? बहुपद, ये बहुपद नहीं होगा। तो क्या लिखोगे? बहुपद नहीं है। और कारण क्या लिखोगे? बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ये जो घात है वो क्या है? पूर्ण संख्या में नहीं है। जैसे ये है y+2/y, आप देख दे तो आप ये बोल दो कि सर ये तो क्या है? बहुपद है। क्यों? इसके ऊपर भी एक घात है, इसके ऊपर भी एक घात है, लेकिन बहुपद है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखो ये तो y की घात 1 है, ये 2, ये y की घात बट्टा में है, तो ऊपर लेके जाएंगे इसको, तो यदि कोई संख्या है भाग में, भाग से ऊपर जाए गुणा में, तो उसका घात का चिन्ह क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो ये वाई की घात 1 है, ऊपर जाते किसकी हो जाएगी? वाई की घात -1। अभी बताओ बहुपद है या नहीं है? तो ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ तो देखते पता चल रहा है बहुपद है, लेकिन ये किस में आ रहा है? बट्टा में आ रहा है, तो इसको हल करना पड़ेगा। तो ये वाई बट्टा में ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा, और गुणा में आते ही घात किसकी हो जाएगी? माइनस की। और अपने को बताया कि -1 पूर्ण संख्या नहीं है, कि पूर्ण संख्या तो प्लस के 0 से लेकर अनंत तक की संख्या होती है, और ये क्या आ गई? माइनस में आ गई। तो क्या लिखोगे? बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब देखो अगला वाला, देखो x^10 + y^3 + t^50। अब ये बहुपद है या नहीं है? तो देखो इसके ऊपर कितनी घात है? 10 पूर्ण संख्या है, इसके ऊपर 3 घात पूर्ण संख्या है, इसके ऊपर 50 घात पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है? बहुपद है। कारण क्योंकि उन पर क्या है? जो घात है वो क्या है? पूर्ण संख्या में है। अब ये पहला तो हो गया कि बहुपद है या नहीं है। अब इसमें दूसरा एक क्वेश्चन पूछा है कि कौन से बहुपद देखने अपने को? एक घर वाला बहुपद देखना है। कौन से देखने हैं? तो 2 प्रकार के क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें, एक तो बहुपद है या नहीं, तो वो तो पता चल गया, ले अपने को बहुपद कौन से पूछे? केवल चर वाले, और चर वाले कौन से? एक चर वाले। तो ये बहुपद है, कितना चर है? एक्स वाला ही है, एक चर है, तो ये क्या है? एक चर वाला बहुपद है, ये एक चर वाला बहुपद है। जैसे आगे देखो, ये भी क्या बहुपद है? कौन सा है? एक चर वाला, तो ये एक चर वाला बहुपद है। अब आगे देखो, ये तो बहुपद है ही नहीं है, तो एक चर वाला है, दो चर वाला कोई मतलब है?
नहीं है। आगे ये भी बहुपद नहीं है। आगे अब ये बहुपद तो है नहीं, पूछा क्या है कि एक चर वाला है या नहीं है, तो ये एक चर वाला बहुपद ही नहीं है, इसमें तो कितने चर है, तीन चर है, तो बहुपद तो है लेकिन ये एक चर वाला बहुपद ही नहीं है। अब हमने एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन पढ़ लिए, दो क्वेश्चन कौन कौन से पढ़ लिए, एक क्वेश्चन तो ये पढ़ लिया कि बहुपद है या नहीं है, और एक क्वेश्चन ये पढ़ लिया कि एक चर वाला है, दो चर वाला है या तीन चर वाला है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में अपने को ये पूछा था एक चर वाला बहुपद पूछा था, तो दोनों बता दिए, बहुपद वाला भी बता दिया और एक चर वाला बहुपद वाला भी बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर है गुणांक का, गुणांक बताना है और गुणांक किसका बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो गुणांक में अपने को इतना सा ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या वो लिखनी है, वो उसका क्या हो जाएगा गुणांक, चाहे वो प्लस की हो या माइनस की हो। यदि एक्स का गुणांक पूछे तो एक्स के पास साथ वाली संख्या लिखो, वाई स्क्वायर का पूछे तो वाई स्क्वायर का लिखो, जैसे पाँच एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स है, तो अपने को इसमें ये पूछ लिया कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ, तो एक्स स्क्वायर कौन सा है, ये वाला है, तो इसके साथ वाली संख्या लिख दो कितनी है, पाँच, प्लस का हो तो प्लस का लिखो, जैसे इसमें एक्स का गुणांक पूछ ले तो एक्स के साथ कितना है, तीन है किसका, प्लस का, तो एक्स का गुणांक कितना हो गया, तीन। जैसे एक क्वेश्चन हो रहा है पाँच वाई स्क्वायर जेड, ये आ गया जैसे, तो देखो इसमें बोले अपने को वाई स्क्वायर का गुणांक पूछ लिया, किसका गुणांक पूछ लिया कि वाई स्क्वायर का गुणांक बताइए, तो वाई स्क्वायर के साथ कौन सा है, माइनस का चार है, तो वाई स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, माइनस का चार हो गया। जैसे एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ ले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, छः होगा, क्यों, एक्स स्क्वायर के साथ कितना है ये, छः है, तो इसका गुणांक कितना होगा, छः। ठीक है, आप देखो ये क्वेश्चन है, इसमें पूछ ले अपने को कि गुणांक बताओ, क्या बोले गुणांक बताइए, तो देखो किसका गुणांक पूछा इसमें, एक्स स्क्वायर गुणांक पूछा, तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना है, तो एक्स स्क्वायर के साथ देखेंगे। अब आप बोलोगे इसमें तो फिर कोई संख्या नहीं है, तो देखो संख्या नहीं लेकिन इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर है, कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो इसको ये भी तो लिख सकते हैं एक एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर लिख दो या एक एक्स स्क्वायर लिख दो, बात बराबर ही है, क्यों, एक्स स्क्वायर का मतलब ये कितनी बार आया है, एक बार तो आया है, तो एक्स स्क्वायर इसको ये भी तो लिख से एक एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक होगा। जैसे आगे देखो सवाल नंबर दो में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना है, ये एक ही है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होगा, एक होगा, लेकिन एक इसका आ रहा है या माइनस का, तो क्या लिखोगे, माइनस का एक लिखोगे। आगे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो क्या लिखा हुआ, ये पाई बटा दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो एक्स स्क्वायर के साथ वाली संख्या कितना है, पाई बटा दो है। जैसे आगे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है इसमें, लेकिन इसमें तो एक्स स्क्वायर तो ही नहीं, कहीं नहीं है एक्स, तो यदि एक्स का गुणांक पूछे तब तो आप लिख दो कितना है, अंडरूट के दो है, लेकिन इसमें तो एक्स स्क्वायर का पूछे और एक्स स्क्वायर तो इसमें है नहीं है, और है ही नहीं, पद ही नहीं है, तो इसका मतलब मान कितना होगा, उसका गुणांक कितना होगा, जीरो, क्यों, यदि कोई पद है ही नहीं तो उसका गुणांक कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, तो गुणांक कितना होगा उसका, जीरो होगा।
अब अगला क्वेश्चन है, और हमने अब देखो अब तक क्या क्या पढ़ लिया। एक तो ये पढ़ लिया कि बहुपद है या नहीं है, एक चर वाला है, दो चर वाला है, तीन चर वाला है ये दो। एक हमने गुणांक पढ़ लिया, चाहे वो गुणांक एक्स स्क्वायर का पूछा था अपने सवाल में, तो लेकिन एक्स स्क्वायर का पूछे, वाई स्क्वायर का पूछे, जेड का पूछे, एक्स का पूछे, किसी का भी पूछ ले निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है प्रत्येक बहुपद की घात लिखी। अब ऐसे कहा देखो, जैसे इसमें तीन है, दो है, एक है, कितनी बताओगे? तो देखो बहुपद की घात कैसे ज्ञात करते हैं। तो बहुपद की घात के लिए हम ये देखेंगे उस बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी वो क्या होगी, बहुपद की घात होगी। किसी भी बहुपद की सबसे बड़ी घात होगी वो क्या होगी, बहुपद की घात होगी। जैसे इसमें देखो, इसके ऊपर तीन घात है, दो घात और ए घात, तो कौन सी घात लिखनी है अपने को, बड़ी वाली? तो बड़ी वाली कौन सी घात है, तीन। तो बहुपद की घात होगी कितनी, तीन। आगे देखो, चार माइनस वाई स्क्वायर, तो ये तो चर पद है नहीं, ये चर पद है और घात कितनी है इसके ऊपर है, दो। तो सबसे बड़ी घात दो है, तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, दो होगी इसकी। आप तीसरा, पांच टी माइनस अंडरूट के साथ। आप देखो इस पर चर पद एक ही है और कितनी घात है, एक, तो बहुपद की घात होगी कितनी, एक होगी। आगे अंडरूट तीन, अंडरूट तीन से चर पद है ही नहीं, तो बहुपद की घात कितनी होगी, जीरो होगी। ये आ गया प्रत्येक बहुपद की घात लिखे। तो बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, किसी भी बीजीय व्यंजक या बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी वो क्या होगी, बहुपद की घात होगी। अब आगे पढ़ेंगे पदों के बारे में कि एक पद है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, कौन सा पदी है, और अपने ये बहुपद वाला एक टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो देखो अभी